हिमाचल प्रदेश में आजकल बादल फटना एक आम सी बात हो गई है। मैं अभी राजगढ़ के रिगड़ में हूँ, ये दूसरी जगह है जहाँ पर भी बादल फटने का मंजर सामने आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेत जो था, यहाँ के किसानों ने उसमें अदरक या दूसरी जो चीज़ें थी वो बीजी हुई थी, लेकिन रात के समय बादल फटने के बाद ये पूरा जो पूरा का एरिया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेत था, आप देख सकते हैं मेरे सामने खेत था, पीछे जो इलेक्ट्रिकल पोल है वो पोल भी जो है वहाँ से ऊपर से नीचे आ गया हुआ है और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। सामान्य हालत होने के लिए ना जाने कितने दिन लगेंगे, लेकिन जो किसान है जिसका पेट भरण पोषण का कार्य इसी चीज़ से होता है, वो चिंतित है कि बादल फटने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कब होगी और कब स्थितियाँ सामान्य आएंगी। जो रोड्स हैं वो जगह जगह से टूटे हुए हैं, पूरे मंडी जिला में जो लिंक्स रोड्स हैं 80% से अधिक रोड टूटे हुए हैं और प्रशासन के हाथ पांव इस कार्य में फूले हुए हैं। अगर आप करेंगे बात तो मुख्य शहर जो नेरचौक में है उसमें आधी से अधिक दुकानें पानी में डूबी हुई हैं। फोर लेन के साथ जो सटा हुआ इलाका है, सुकेती खड्ड का बहाव फोर लेन की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में एक डर का माहौल है, प्रशासन की तरफ सब आंखें तक रहे हैं। यहाँ पे जो 33 KV का इलेक्ट्रिकल स्टेशन है वहाँ पर भी आपूर्ति पूरी तरह से बंद है, प्रशासन पूरी तरह से कार्य में लगा हुआ है, लेकिन मौसम के बदले मिजाज के चलते स्थिति कब सामान्य होगी इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। राजगढ़ रिगड़ से जहां बादल फटने की दो घटनाएं हुई हैं, हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और अब की बार सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है कुल्लू के बाद जिला मंडी में सबसे ज़्यादा नुकसान की समाचार हैं। अभी जो मैं हूँ मंडी जिला के राजगढ़ के रिगड़ स्थान पर हूँ जहाँ पर आज सुबह बादल फटने की घटना सामने आई है। अभी मैं जो आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हम राजगढ़ के रिगड़ स्थान पर हैं, यही वो स्थान है जहाँ पर बादल फटा हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है बादल एकदम से यहाँ पर फटा हुआ है, ये हमारा जो पंडो डैम से जो झील का पानी यहाँ पर निकलता है वो यहीं पर निकलता है, इसी के नीचे निकलता है, उसी के ठीक पहाड़ी जो ऊपर रिगड़ में है वहाँ पर रात को बादल फटा हुआ है और अपने साथ खूब सारा पानी बहने के बाद ये अपने साथ एक मलबा सारा साथ लेते हुए चला गया हुआ है और यहाँ से जितने भी लोग हैं उनके घर या बीच में जो है उन सबको यहाँ से बहता हुआ ये नीचे नाला जो है आगे जाके गागल से होता हुआ सुकेती खड्ड में मिल जाएगा।